एट्थ क्लास मैंने आपको लास्ट टाइम सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस बताए थे, मैंने आपको लाइव क्लास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताए। कॉम्प्लेक्स में आपका ज़्यादा हार्ड नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर आप लोग समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और मोर देन वन आपके डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, इसमें कंजक्शन का भी यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपके कंजक्शन बीच में आ जाता है। जैसे ये आपका दिया है वी स्पेंड द एंटायर डे इनडोर्स बिकॉज द वेदर आउटसाइड वॉज कोल्ड एंड रेनी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कंजक्शन आपका बीच में आ गया, मैंने आपको कंजक्शन बताए थे सिंस व्हेन व्हाइल एज सून एज बिकॉज अनटिल इफ, ये सभी आपकी कंजक्शन है, अदर भी हैं आपके, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्लॉज उसके बाद आता है, ये आपका डिपेंडेंट यहाँ पे दिया हुआ और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज दिया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है, तो आप लोग उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसके बाद ये तो स्ट्रक्चर होता है, एक और आपका ये स्ट्रक्चर होता है, ये भी आपका करेक्ट होता है, इसमें आप कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे कंजक्शन आप पहले लिखेंगे इवन, ठीक है, फिर आप डिपेंडेंट दो इट वॉज लेट, फिर आप कॉमा लगाकर फिर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। एक हेल्पफुल टिप यहाँ पे दी गई है, हम देखते हैं उसको क्या है। अ सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम अ कंपाउंड सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स, हम एक कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टाइप ऑफ कंजक्शन यूज्ड। जिस टाइप का हमने कंजक्शन यूज़ किया है अगर उस टाइप को हम चेंज कर दें तो हम कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं। दिस ऑल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज इट मेक्स वन ऑफ द क्लॉज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर एग्जाम्पल। देखिए इससे क्या होता है, जो मीनिंग होता है सेंटेंस का वो थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि एक और डिपेंडेंट क्लॉज बढ़ जाता है। शी रिग्रेट हैविंग स्पोकन टू हर लाइक दैट येट शी हैजंट अपोलोजाइज, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया है, ठीक है। ये आपका क्या बन गया है, कंपाउंड सेंटेंस। अब यहाँ पर कुछ आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, हम वो देख लेते हैं। ये आपका दिया गया है, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, मैं आपको समझा देती हूँ किस तरीके से है। से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट आपका लेट्स ट्राई एट का फर्स्ट दिया है, आई गिव माय फ्रेंड अ बुक फॉर हर बर्थडे, ये आपका सिंपल है। क्यों है, क्योंकि आई आपका एक स्ट्रक्चर है, आई गिव, ये आपका पूरा एक देखेंगे आप क्लॉज दिया गया है, पहला आपका दिया गया है सब्जेक्ट और वर्ब दी गई है माय फ्रेंड अ बुक फॉर हर बर्थडे। इसमें ना तो कोई कंजक्शन का इस्तेमाल किया गया है, ना ही इसमें किसी तरीके का डिपेंडेंट क्लॉज आया है, तो ये आपका सिंपल एक सेंटेंस है जो अपने आप में कंप्लीट और मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल हो जाएगा। टू मिनट्स अगो माई सन वॉज फास्ट अस्लीप बट, अब देखेंगे आप यहाँ कंजक्शन का इस्तेमाल किया गया नाउ ही इज़ अवेक, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। आई विल टेक यू टू द जू वन डे, अगेन आपका सिंपल एक क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है, सिंपल सेंटेंस है, तो ये आपका सिंपल में आ जाएगा। ही विल नेवर लीव बिकॉज, अब यहाँ पे आपका बिकॉज यहाँ आ रहा है, ही डज नॉट हैव द करेज टू। देखिए ये अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो इसमें बिकॉज का यूज़ किया गया है, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपके बिकॉज मिडल में यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर वो सेंटेंस आपके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में आते हैं। सेकंड थिंग, इसमें पहले आपका जो है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फिर उसके बाद कंजक्शन है, फिर उसके बाद आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं, स्ट्रक्चर से हम पहचान सकते हैं। इसमें आते हैं व्हेन ही एल्स, व्हेन ऑल एल्स फेल्स कॉल योर मदर, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो व्हेन जो है वो आपका वो एक कंजक्शन है इसमें, और ऑल एल्स फेल्स और कॉल योर मदर, तो यहाँ पे कंजक्शन पहले इस्तेमाल कर दिया गया है, जैसे कि इसमें किया गया था इसके स्ट्रक्चर में, यहाँ पे आपका कंजक्शन पहले किया गया था इस्तेमाल, फिर डिपेंडेंट क्लॉज आया था, फिर आपका कॉमा और इंडिपेंडेंट क्लॉज आया था, ठीक वैसा ही आपका इसमें है। कॉल योर मदर आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फिर आपका कॉमा आया है, फिर यहाँ पर आपका डिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपका कंजक्शन है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आई वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वॉज लेट, ये आपका कंजक्शन होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें बीच में हमेशा कंपाउंड में ज़्यादातर बट का यूज़ किया जाता है और मोस्टली ये सब मिडल में होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और जब कॉम्प्लेक्स की बात की जाती है तो कॉम्प्लेक्स में लास्ट का सेंटेंस जो होगा वो अपनी मीनिंग कंप्लीट रखेगा, और शुरू में उसके में कंजक्शन इस्तेमाल होगा, उसके बाद आपका उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देखिए स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। द मैन टू कवर सूटकेस टू अवर रूम, ये आपका सिंपल है, इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, कंप्लीट है। ऑल दो यहाँ पर आपका पहले ही कंजक्शन आ चुका है और यहाँ कंजक्शन आ चुका है, तो इसका मतलब है ये आपका कैसा हो, जर्नी इज़ लॉन्ग, ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज और ये हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, और बीच में कॉमा है तो ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, बन गए आपके सेंटेंस। अब हम देखते हैं लेट्स ट्राई नाइन को।
लेट्स ट्राई 9 की जब हम बात करते हैं तो कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. आपको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल करता है. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपके वो होते हैं जो दो सेंटेंसों को मिलाने का काम करते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड सेंटेंस. और आपको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ठीक है. कंपाउंड सेंटेंस आपके सिंपली ऐसे ही होते हैं कि उसमें दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बना देते हैं जिसमें इस तरीके की कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और वो आपके कंपाउंड सेंटेंसेस बन जाते हैं, ठीक है. तो पहला है आपका आई ड्रैंक सम लेमोनेड आई वॉज थर्स्टी. तो इसमें क्या आ जाएगा, आई ड्रैंक सम लेमोनेड फॉर आई वॉज थर्स्टी. आपका ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया. सेकेंड, माई सिस्टर वर्क हार्ड बट येट. आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. येट शी डिडंट गेट द डिज़ायर रिजल्ट या बट शी डिडंट गेट द डिज़ायर रिजल्ट, ठीक है. इट्स हॉट आउटसाइड. तो इसमें आप जो कंपाउंड बनाने के इसमें जो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे वो होगा आपका सो. तो इट्स हॉट आउटसाइड सो शी स्विच्ड ऑन द फैन, ठीक. ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया. द स्टूडेंट क्लास बिलीव देर विल बी नो फील्ड ट्रिप बट द टीचर रिपीटेडली अनाउंस दैट देर वुड बी वन. तो इसमें आपका बट आपने कंजक्शन यूज़ करके हम इसको कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे. आई कुड फिनिश माई प्रोजेक्ट टू नाइट और आई कुड वेट टिल टुमारो. इसमें आप और कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा. अब इस ये थोड़ा सा आपका अलग है, ये देखते हैं. दे वर नॉट वेयरिंग जैकेट नॉर वर दे, ठीक. ये वाला दे आपका यहाँ नॉर का इस्तेमाल करेंगे आप कि ना तो वो जैकेट ना तो जो का सेंस है ना तो वाला, तो इसके लिए हम नॉर का इस्तेमाल करते हैं. दे वर नॉट वेयरिंग जैकेट नॉर वर दे कैरिंग अम्ब्रेलास, ठीक है. तो ये आपका लेट्स ट्राई मैंने आज आपको 8, 9 दो करवा दिए हैं. 10 वाला आप लोग करिएगा, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपको बता दूंगी और ये भी मैं आपको समझा दूंगी. चाहे काम करते हैं, 10 वाला कर लेते हैं, टाइम है अभी हमारे पास. चलिए, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अ सबॉर्डिनेट कंजक्शन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स. अब हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं. बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स में अगर हमने स्ट्रक्चर देखा है तो कंजक्शन आपका पहले आ जाता है. एकाद में आपका बीच में है, कंजक्शन आपका पहले आ जाता है. तो पहला अगर हम सेंटेंस देखें तो आफ्टर है, हम आफ्टर को पहले लगा. आफ्टर यू फिनिश ईटिंग योर ब्रेकफास्ट. तो अगर हम देखें आफ्टर कंजक्शन हो गया, यू ये आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया. फिनिश योर होमवर्क ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और ये बन गया आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है. आई एम स्टेइंग बैक फॉर एन आवर क्लास बिकॉज आई नीड एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग इन मैथ, ठीक है. तो आपका बिकॉज यहाँ पे हम बीच में लाएंगे क्योंकि बिकॉज से आप फर्स्ट में नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको बीच में लाएंगे और आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा. अब ये व्हेन व्हाइल इफ इन सभी का इस्तेमाल आप फ्रंट पे कर सकते हैं. जैसे कि मैंने कहा व्हेन आई वोक अप आई सॉ इट वाज रेनिंग हैवीली, ठीक. व्हाइल आई वाज टाइपिंग माय रिपोर्ट द पावर वेंट आउट. इफ यू हैव ब्राउनीज लेफ्ट मे आई हैव वन. अब इसमें भी आपका सिंस का इस्तेमाल हम मिडिल में करेंगे. वी वॉन्ट बी गोइंग फॉर अ पिकनिक टूडे सिंस द वेदर डजेंट फील फेवरेबल, ठीक है. तो मैंने आपको लेट्स ट्राई 10 भी करा दिया. अब नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपका वर्कशॉप जो आपकी दी हुई है राइटर वर्कशॉप वो आपको समझा दूंगी और उसके बाद अपना चैप्टर सेकंड जो है वो स्टार्ट करेंगे. चैप्टर सेकंड है आपका बोडा स्केट, ओके.